हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NH Love Technical एंड द वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जाते हैं यह अपना जो भी फॉर्म हमने फिल किया था MA, MSc, BCom, BA, प्राइवेट रेगुलर, तो उसको रीप्रिंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, द वर्ल्ड हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। तो पहला है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। अनुक्रमांक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को पुनः किस तरह प्राप्त करें, कौन कौन सी जानकारी फिल करें। तो उसको 1000 लोगों ने देखा था और उसमें रिस्पॉन्स आया था कि हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में असमर्थ हैं और अपने जो भी मैंने फॉर्म फिल किया था उसको रीप्रिंट करने में भी असमर्थ हैं। तो कृपया इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो दूसरा वीडियो बनाया था कि लेटेस्ट अपडेट रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में, कि आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको किस तरह से प्राप्त करें। और बहुत ही सिंपल 4 मिनट का वीडियो है और दूसरा वीडियो 3 मिनट का है। तो आप वो दोनों वीडियो द वर्ल्ड से या NH Love Technical, इन दोनों YouTube चैनलों पर देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे, यहाँ पर हम लिखेंगे MJPRU। हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट छात्र मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही छोटा सा, जिससे वो मोबाइल से किस तरह से स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप के यूज़र तो कम होते हैं, मोबाइल के यूज़र काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम सबसे पहले आज बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट MJPRU.ac.in पे, इस पर क्लिक करेंगे हमारा एक नया इंटरफेस खुलेगा ऑफिशियल साइट का। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे हम आएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर इससे एक नया इंटरफेस खुलेगा, उसमें लिखा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म ओनली मेडिकल, उससे ऊपर होगा ऑनलाइन मैन एंड ऑड सेमिस्टर सिस्टम, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा एक और इंटरफेस खुलेगा, थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। अब इसमें होम होगा, फिल न्यू फॉर्म, यहाँ से जो न्यू फॉर्म आए हैं BP, BEd, ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं, पैरामेडिकल के आए हैं, MBBS और SDS मैन के आए हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म, तो यहाँ पर से तो हमारा कोई काम नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से हम रीप्रिंट फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं जो भी हमने पेमेंट किया है, यहाँ से फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 2018-19 के और 2019-20 के। तो हमें अपना प्रिंट, पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें अपना जो भी हमने फॉर्म फिल किया था उसको डाउनलोड करना है रीप्रिंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर डालिए और यहाँ पे कैप्चा डालिए और सर्च कर दीजिए। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करके भी सारी जानकारी फिल करके अपना जो भी यहाँ पे फॉर्म नंबर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डालेंगे फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर हमारे पास नहीं है तो इसके लिए हम वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में है उसको देख सकते हैं। और नहीं, अगर आपको जानकारी पहले से आती है तो आप यहाँ पर से क्लिक करके फॉर्म नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म नंबर पहले से ही प्राप्त कर लिया था तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम बच्चों को क्या आ रही थी कि बच्चों के पास तो फॉर्म नंबर तो है पर वो इसको
पूरा का पूरा यहीं पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं या पूरा का पूरा यहीं पे एंटर कर देते हैं। अब अपने फॉर्म नंबर को ध्यान से देख तो इसमें जब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 20 हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, इससे 20 हटा के ही यहाँ पे डालना है। तो हम इसमें से 20 हटा देंगे, ठीक है, बात समझ में आई, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे 20 जैसे ही हटाएंगे वैसे ही ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और इसको ले लें, इसके यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा हमारा हो गया WA5, और यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे आप देख सकते हैं तो हमारा फॉर्म नंबर आ गया, हमारा यहाँ पे फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, सारी सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री के MA फर्स्ट ईयर का नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्म है जिसको हमने एग्ज़ाम के लिए भरा था और इसको कॉलेज में भी जमा किया था, तो इसको हम डाउनलोड करके रख सकते हैं, यहाँ पर से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करें, डाउनलोड प्रिंट फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर से इसको आराम से सेव कर सकते हैं, ये हमारा सेव हो गया। दूसरा रीप्रिंट अनदर यहाँ पर करेंगे तो फिर से आपको वहीं पर पहुँचा देगा। तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो आप देख चुके हैं, जब यहाँ पर हम फॉर्म नंबर को फिल करेंगे तो उसमें यहाँ पे 20 लिखा है, पहले से ही ये यहाँ पे ये 20 लिखा है, तो हम उसमें 20 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर मान लिया ए तो MA सेकेंड ईयर का है, अगर MSc BA BCom का यहाँ पे 1080 हो तो 1080 हटा देंगे। अब जैसे यहाँ पर से 20 हम इसको हटा देंगे जो भी हमारा फॉर्म नंबर था, और फिर यहाँ पर इसका कैप्चा करके और सर्च कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपकी कोई राय हो, वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई गलत जानकारी हो, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।